सो चैप्टर नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, विच इंडिकेट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, मार्केट प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मार्केट प्राइस ऑफ फिक्स्ड गुड्स, मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री और मार्केट प्राइस पर शेयर। अगर आपको शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो वेल्थ का मतलब क्या है, जो उसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो उसने शेयर्स में पैसा लगाया है, तो अगर उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ गई है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, मार्केट प्राइस पर शेयर। आइडेंटिफाई द डिसीजन विच इज नॉट टेकन अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप इनमें से कौन सा डिसीजन नहीं लेते हैं, नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट ऑडिट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। यस, बाकी के तीन तो हम लेते ही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, मैनेजमेंट ऑडिट डिसीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक्वायरिंग अ न्यू फिक्स्ड एसेट, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्वड इन इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ कैश टू बी मेंटेन्ड, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उसका मतलब होता है एसेट्स में पैसा लगाना, अब चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो। रिस्क मैनेजमेंट कहाँ का पार्ट है, फाइनेंसिंग डिसीजन का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, माइनिंग द फाइनेंशियल रिस्क। आइडेंटिफाई विच अफेक्ट्स द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, कौन सा डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों को अफेक्ट करता है, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। लिक्विडिटी नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके के होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। दोनों ही प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन जहां बात लिक्विडिटी की आ जाती है, लिक्विडिटी के अंदर जो आपके दो डिसीजन में से एक है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। आइडेंटिफाई विच फाइनेंशियल डिसीजन डिसाइड्स हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मच इज टू बी रिटेन्ड, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। कितना पैसा बचाना है और कितना पैसा बांटना है एज अ डिविडेंड, ये किसमें सोचते हो, क्या आंसर है, सी, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मिनिमाइजिंग एक्सटर्नल बोरोइंग बाय रिजॉर्टिंग टू द इक्विटी शेयर्स, ensuring that the firm always have more funds so that there is no paucity of the funds, ensuring that the firm faces neither a shortage nor a glut of unusable funds, doing what is possible with the funds that the firm has it as that the firm has at its disposal. पहले तो बताइए financial planning क्या होती है, planning क्या है, सोचना, थिंकिंग इन एडवांस, और अगर उसके आगे वर्ड लग गया है फाइनेंशियल, पैसे के बारे में पहले से ही सोच लेना, तो क्या सोचेंगे आप, कि एक तो जब भी हमें जरूरत हो हमारे पास पैसा हो, लेकिन अननेसेसरी पैसा ना हो, ना तो बहुत ज्यादा पैसा हो और ना ही हमारे पास पैसों की कमी हो। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, और to ensure that the firm does not raise the fund unnecessarily. ये दो ही ऑब्जेक्टिव थे हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के, जो सी पॉइंट क्लियरली डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, what determines the financial blueprint of the firm? Financial leverage, financial planning, financial decision or financial investment? Yes, financial planning. ये proper एक लिखी हुई है लाइन, that financial planning is the blueprint of the financial operation of an organization, ठीक है। Next, what is financial leverage? Leverage किसको define करता है पहले ही बताइए, risk को, ठीक है। तो देखिए financial leverage क्या है, the proportion of the equity in overall cost of capital, the proportion of the preference shares in the overall cost of capital, the proportion of debt in the overall cost of capital, none of the above.
रिस्क, मैंने पहले ही बोला लिवरेज रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, और तीनों में से रिस्क कहाँ है, इक्विटी में, प्रेफरेंस में या डेट में? डेट में ही होता है रिस्क, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस. इंक्रीज इन द इंटरेस्ट अर्नड बाय द डिबेंचर होल्डर्स ड्यू टू इंक्रीज इन बोरोइंग्स. सी है इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. नन ऑफ द अबव. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये बताता है कि अगर हम ज्यादा डेट लेते हैं तो ज्यादा डेट लेने की वजह से, यानी कि फाइनेंशियल चार्जेस, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस ज्यादा हो जाने की वजह से कब हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है. हमने कॉन्सेप्ट पढ़ दिया ना, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट. आइडेंटिफाई विच डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन. वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन. कैपिटल बजटिंग डिसीजन अभी बताया था ना मैंने. आगे चलो. व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स द कंपनी कैन पे इट्स ऑब्लिगेशन यूजिंग इट्स करंट अर्निंग. इट रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड्स टू रीपे द डेट. इट रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट और नन ऑफ द अबव. भी क्या बताई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है. तो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़िए क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स द कंपनी कैन पे इट्स ऑब्लिगेशन यूजिंग इट्स करंट अर्निंग्स. अर्निंग मतलब प्रॉफिट. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन आपके पूरे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा. If the rate of return on investment for a company is 16%, a situation of unfavorable financial leverage will be said to arise when the rate of interest payable on debt capital is. आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि वो ये कह रहे हैं कि अगर रेट ऑफ रिटर्न 16% है तो बताइए अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशन क्या होगी. आप मुझे बताओ क्या होती है कंडीशन. When cost of debt is more than return on investment, यानी कि आपने जो पैसा उधार लिया उसके ऊपर जो आप कॉस्ट भर रहे हो वो ज्यादा है और उससे मिलने वाला रिटर्न, जो आपने अपने बिजनेस से पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट करी है, उससे रिटर्न कम मिल रही है तो वो अनफेवरेबल है. लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वो कौन सी सिचुएशन है, फेवरेबल. तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16% है, आपको अनफेवरेबल की सिचुएशन शो करनी है तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना होना चाहिए यहाँ पे, 16% से. अनफेवरेबल के लिए कॉस्ट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. तो मोर देन 16% इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, कपिल लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स. ओवर द इयर्स द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी हैज गोन अप एंड इट्स एंजॉयज अ गुड रेपुटेशन. द फाइनेंशियल मैनेजर इज कॉन्फिडेंट टू द फैक्ट दैट नॉट जस्ट द करंट अर्निंग्स बट अवर फ्यूचर ईयर्स आर लाइकली टू बी हाई. बट द अर्निंग्स ऑफ फ्यूचर ईयर्स आर लाइकली टू बी हाई. आइडेंटिफाई द रिलेटेड फैक्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजन. कि सिर्फ अभी के प्रॉफिट नहीं, आगे के प्रॉफिट्स भी हमारे बढ़ने वाले हैं तो बताइए अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो, पहले उन्होंने ये बोला है कि हमारे कंपनी के जो सिचुएशन चल रही है, हम गुड रेपुटेशन एंजॉय कर रहे हैं, अर्निंग पोटेंशियल्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि हमारी सिर्फ करंट ही नहीं फ्यूचर अर्निंग्स भी अच्छी रहेगी. तो ऐसे में आप डिविडेंड कैसा रखोगे, स्टेबल रख सकते हो क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो कि जो डिविडेंड आप आज बांट रहे हो आप उसे आगे भी बांट पाओगे. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. सी ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. नेक्स्ट, अंबर लिमिटेड हैज इट एक्सपीरियंसिंग अ डाउनफॉल इन इट्स पॉपुलैरिटी ड्यू टू ग्रोइंग कॉम्पिटिशन. ऑल्सो द कंपनी डजंट सी एनी फोर्थकमिंग वाइबल बिजनेस एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज इन द नियर फ्यूचर. So the management of the company has decided to declare the high dividends for the current financial year. Identify the factor related to the dividend decision being described above.
कैश फ्लो पोजीशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कंपनी को फिलहाल अपने खुद के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, तो उन्होंने सोचा क्यों प्रॉफिट बचाना है, बांट देते हैं ज्यादा प्रॉफिट। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल, द टाइम स्पेंड बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर और रिसीट ऑफ द रॉ मटेरियल, द टाइम स्पेंड बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिक्स्ड एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स, the time spent between the receipt of raw material and their conversion into sales, or the time spent between the receipt of raw material and their conversion into cash sales. B. The time spent between the receipt of raw material and their conversion into finished goods. इसी के साथ chapter number 9 हुआ खत्म।